नमस्कार, मैं प्रिया। आज 10 अगस्त, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 79,500 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए अपडेट के अनुसार 9 अगस्त को कुल मिलाकर 3,934 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 79,720 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 94, अरवल में 27, औरंगाबाद में 52, बांका में 41, बेगूसराय में 244, भागलपुर में 97, भोजपुर में 109, बक्सर में 65, दरभंगा में 58, पूर्वी चंपारण में 162, गया में 83, गोपालगंज में 115, जमुई में 55, जहानाबाद में 32, कैमूर में 45, कटिहार में 177, खगड़िया में 25, किशनगंज में 48, लखीसराय में 52, मधेपुरा में 48, मधुबनी में 89, मुंगेर में 93, मुजफ्फरपुर में 128, नालंदा में 103, नवादा में 18, पटना में 781, पूर्णिया में 76, रोहतास में 131, सहरसा में 108, समस्तीपुर में 146, सारण में 160, शेखपुरा में 70, शिवहर में 21, सीतामढ़ी में 36, सिवान में 51, सुपौल में 47, वैशाली में 132, पश्चिमी चंपारण में 108। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 51,315 पर पहुंच गई है। वहीं कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 429 पर पहुंच गई है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने संजय राउत के आरोपों पर दिया बयान। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच के लिए लगातार उठ रहे सवालों के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बिहार पुलिस और केंद्र पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद अब इसका जवाब देते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करके कहा है कि जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम जनता की सेवा की, मुझ पर बहुत तथ्यहीन अनर्गल आरोप भी लगाए गए जिसका जवाब देना उचित नहीं है। हिफाजत हर किसी की मालिक बहुत खूबी से करता है, इसके साथ ही हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है, मगर मुझे जितना भी बुरा भला लोग कहते रहे, लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हार्डिंग रोड वीरचंद्र पटेल पथ फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हार्डिंग रोड आर ब्लॉक वीरचंद्र पटेल फ्लाईओवर का बीते दिन उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद दिखे। आपको बता दें, आर ब्लॉक हार्डिंग रोड फ्लाईओवर पर वाहनों का परिचालन आरंभ होने से ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पृथ्वी दिवस के मौके पर पौधारोपण का मिशन 2.5 करोड़ पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ इस मौके पर बीते दिन राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों ने भी पौधारोपण किया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर प्रतियोगिता में बेगूसराय के अनुराग को एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मिला पहला स्थान। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई पहल में लोगों की दिलचस्पी और साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की तरफ से आत्मनिर्भर प्रतियोगिता के आयोजन में बेगूसराय के अनुराग कुमार ने अपना लोहा मनवाया है। आपको बता दें, अनुराग ने कैप्शन प्लस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया है। इस एप्लीकेशन की खासियत यह है कि सोशल साइट या यूट्यूब पर कौन से पोस्ट या वीडियो पर कौन सा कैप्शन या हैशटैग चाहिए, यह खुद ब खुद कैप्शन और हैशटैग लगा देता है। इसके लिए अनुराग को 20 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला है। पौधारोपण में बिहार ने बनाया नया रिकॉर्ड। बीते दिन बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर बिहार में पौधारोपण के मामले में नया रिकॉर्ड बना है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए 2.5 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य से ज्यादा पौधारोपण करवाया गया है। जारी किए गए जानकारी के अनुसार बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर 3,45,00,000 के करीब पौधारोपण किया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने इस बात की पुष्टि की है, साथ ही बताया है कि इस बार 138% उपलब्धि की गई है। वैसे मिशन मात्र 2.5 करोड़ पौधारोपण का था, लेकिन बिहार को नई उपलब्धि हासिल हुई है। आने वाले 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत आने वाले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के लिए सतर्कता जारी कर दी गई है। वहीं सारण और पटना के लिए भी सतर्कता जारी कर दी गई है। हालांकि बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है। 8 अगस्त को प्रकाशित की गई रेलवे भर्ती विज्ञापन पर रेलवे ने दी सफाई। भारतीय रेलवे के नाम पर 8 अगस्त को निकाली गई रेलवे भर्ती विज्ञापन फेक करार कर दी गई है। रेलवे ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि इस तरीके के फर्जीवाड़े में कोई भी ना आए, विज्ञापन पूरी तरीके से गलत है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि समाचार पत्र के विभिन्न संस्करण में दिनांक 8 अगस्त 2020 को एक एजेंसी द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 11 साल के अनुबंध पर नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित हुई थी, जो बिल्कुल भी भ्रामक है। उपरोक्त के में यह स्पष्ट किया जाता है कि समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन से भारतीय रेल अथवा पूर्व मध्य रेल को कोई लेना देना नहीं है।
पटना एम्स में रेमडेसिविर करवाया गया उपलब्ध। बिहार के बेलगाम बढ़ चुके कोविड 19 के मामलों को देखते हुए पटना एम्स में रेमडेसिविर उपलब्ध करवा दिया गया है, ताकि इसको देखकर मरीज का इलाज अच्छे तरीके से करवाया जा सके, जिसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि विशेष पहल पर मंत्रालय ने पटना एम्स में कोविड 19 मरीजों के लिए डॉक्टरों के परामर्श के बाद जरूरतमंदों को रेमडेसिविर उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। पटना एम्स में भी अलग अलग कोविड 19 संक्रमितों का इलाज हो रहा है, वहां डॉक्टर के परामर्श पर जरूरतमंदों को यह उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों में किसानों और पशुपालकों को दी जाएगी क्षतिपूर्ति राशि। बाढ़ प्रभावित जिलों में किसानों और पशुपालकों को क्षतिपूर्ति राशि का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी घोषणा खुद कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर बिहार के 14 जिलों जो कि बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है, वहां पर किसानों और पशुपालकों की मदद के लिए सरकार अब आगे आई है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया है कि किसानों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जल्द ही उन्हें क्षतिपूर्ति राशि दे दी जाएगी। आने वाले 7 दिनों के अंदर यह राशि भेज दी जाएगी। पशुपालक के प्रति पशु 30,000 की राशि देने का ऐलान किया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दशरथ मांझी की। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार के गहलोर क्षेत्र में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दशरथ मांझी तब सुर्खियों में आए थे। उन्होंने एक हथौड़ी और एक छेनी की मदद से अकेले 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ को काटकर एक सड़क बना दिया था। 22 वर्षों के परिश्रम के बाद दशरथ की बनाई गई सड़क पर अपनी ओर से वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया गया था, जिसके बाद दशरथ राम मांझी के जीवन पर मांझी द माउंटेन मैन नामक फिल्म भी प्रकाशन में लाई गई थी। वहीं दशरथ राम मांझी ने बताया कि जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया था तो लोगों ने मुझे पागल कहा था, लेकिन इसमें मेरे निश्चय को और ज्यादा मजबूत किया था। पहले पहले गाँव वालों ने मुझ पर ताने कसे थे, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे खाने ना देकर और कुछ ने औजार खरीदने के लिए मेरी मदद और सहायता भी की थी। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से 18 घंटे तक हुई पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को निशाने पर लिया है। लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बीते दिन रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से ईडी ने करीब 18 घंटे तक पूछताछ की है, जिसकी जानकारी अधिकारियों की तरफ से साझा की गई है। चक्रवर्ती से रात भर की गई पूछताछ के बाद सुबह करीब 6:30 बजे उन्हें मलाड स्टेट इलाके में ईडी कार्यालय से छोड़ा गया है। अधिकारियों ने बताया है कि शौविक चक्रवर्ती से उनके निजी कारोबार में निवेश और रिया और राजपूत के साथ वित्तीय सौदों को लेकर पूछताछ की गई है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज किया गया है। हालांकि इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती के भाई से ईडी ने पूछताछ की, वहीं आज रिया चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बिहार विधानसभा में युवाओं को मौका देने की तैयारी में है कांग्रेस। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई परिणाम फिलहाल सामने नहीं आया है, मगर अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में युवाओं को मौका देने का फैसला किया है। मिली जानकारी के अनुसार यूथ कांग्रेस के 160वें स्थापना दिवस के मौके पर बीते दिन सदाकत आश्रम में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कॉलेज के युवाओं साथियों के साथ संकल्प सभा में शामिल हुए थे, जहां पर यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर सदाकत आश्रम में पार्टी का झंडा फहराया गया है और सबने संकल्प लिया है। इस मौके पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी सतीश गोयल ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देगी। बिहार में युवा वोटरों की तादाद को देखते हुए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। लक्ष्य के अनुरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली अभियान। जलवायु परिवर्तन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते साल जल जीवन हरियाली मुहिम की शुरुआत की थी। इसको लेकर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि इस योजना पर बिहार सरकार ने 3 साल में लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने बताया है कि बिहार सरकार की तरफ से जल जीवन हरियाली मुहिम को लेकर रखा गया लक्ष्य पूरा होता दिखाई दे रहा है। नए जल स्रोत पोखर और पाइप के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की जा रही है। बंद के दौरान बाहर के प्रदेशों से वापस लौटे श्रमिकों को रोजगार भी इसी तरीके से उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिहार सरकार की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं चिराग पासवान। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान अब कोविड 19 के रोकथाम के लिए बिहार सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों का जायजा ले रहे हैं, जिसके तहत चिराग पासवान बिहार के अधिकारियों को फोन कर उनसे स्वास्थ्य विभाग की कोविड 19 के रोकथाम के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं। जिसके बाद शेखपुरा सिविल सर्जन ने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान को जानकारी दी है, जिसके अनुसार शेखपुरा सदर अस्पताल में 4 वेंटिलेटर है, लेकिन वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की कमी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी होने की जानकारी दी गई है। भाजपा सांसद को बाढ़ प्रभावितों ने घेरा। भाजपा सांसद बीते दिन बाढ़ प्रभावित इलाके में भ्रमण करने पहुंचे, जहां पहुंचते ही बाढ़ प्रभावितों ने उन्हें घेर लिया था। सांसद को देखते ही बाढ़ प्रभावितों की नाराजगी साफ तौर पर देखने में मिल रही थी, जिसके बाद जमकर लोगों ने अपनी आवाज भी उठाई। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बाढ़ प्रभावितों के बीच मिलने गए थे, जिसके बाद लोगों ने जमकर खरी खोटी सुना दी। लोगों की नाराजगी को देखते हुए सांसद और उनके समर्थकों को वापस लौटना पड़ गया। नवीनगंज में बाढ़ प्रभावितों का कहना है कि सांसद महोदय को बाढ़ आने के 20 दिनों के बाद याद आई है।
बागमती में तूफान के कारण दरभंगा शहर के नए इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार में बाढ़ अपना रौद्र रूप लेकर दिखा रहा है। बिहार के लगभग 16 जिले को अपनी बाढ़ में चपेट लेने के बाद बाढ़ की परेशानी अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मिली जानकारी के अनुसार बागमती में फिर तूफान देखा गया है, जिसके बाद दरभंगा शहर में बाढ़ का पानी घुस गया है। शहर के पश्चिमी में बेला जलान कॉलेज, जिला नया घरारी समेत कई मोहल्ले में पानी 1 से 2 फीट तक पहुंच गया है। वहीं पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में अभी बाढ़ की परेशानी लगातार देखने को मिल रही है। शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी बढ़ने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। उधर वाल्मीकि नगर बराज में रविवार को गंडक में 1,42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालांकि अभी गंडक की स्थिति सामान्य है, जिससे पश्चिम चंपारण में बाढ़ की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। बिहार के लिए 3,980 करोड़ रुपए कृषि आधारभूत संरचना फंड के तहत किए गए जारी। कृषि आधारभूत संरचना फंड में बिहार के लिए 3,980 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाता किसान का सम्मान बढ़ाने और उनकी आमदनी दोगुनी करने वाले कार्यक्रम की सुनहरी श्रृंखला में 1,00,000 करोड़ की राशि वाले की आधारभूत संरचना फंड भी जोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 1,000 करोड़ की शुरुआत की है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार के कृषि आधारभूत संरचना के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को केवल 1% ब्याज पर कर्ज मिल सकेगा। 7 साल तक के कर्ज पर 3% ब्याज अनुदान मिलेगा और 2 करोड़ तक के ऋण की गारंटी सरकार की तरफ से ली जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच करेगी आईपीएस अधिकारी नूपुर प्रसाद। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई के हस्तक्षेप के बाद जल्द ही उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जताई गई है, जिसके बाद अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले की बागडोर सीबीआई ने एक विशेष टीम को सौंपी है। जांच टीम में गया जिले के अधिकारी के रहने वाली तेज तर्रार सीबीआई आईपीएस अधिकारी नूपुर प्रसाद भी शामिल है। आपको बता दें, आईपीएस अधिकारी नूपुर प्रसाद सीबीआई की तेज तर्रार अधिकारी के रूप में पहचानी जाती है। नूपुर टिकारी के सलेमपुर गांव की रहने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जिम्मेदारी मिलने के बाद नूपुर प्रसाद ने गाँव में खुशी का माहौल है। वहीं अब सुशांत के प्रशंसकों को भी न्याय की उम्मीद है। तेजस्वी प्रसाद ने राजद दफ्तर में की मीटिंग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन राजद के कार्यालय में मीटिंग की है। बंद कमरे में 1 घंटे तक रणनीतियों पर चर्चा की गई है। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने बीते दिन राजद कार्यालय पहुंचकर बैठक की थी, जिसमें बड़ी रणनीतियां तैयार की गई है, जिसके तहत राजद कार्यालय पहुंचकर उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राजद महासचिव आलोक मेहता के साथ बंद कमरे में बैठक की है। उसके बाद पार्टी कार्यालय में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया है। बैठक में गोपालगंज में कामेश्वर कुशवाहा के साथ हुए वाकया को लेकर नेताओं को टास्क दिया गया है। साथ ही कहा गया कि इस मुद्दे को पोस्टर के जरिए जन जन तक पहुंचाया जाएगा कि राजद हर हाल में न्याय चाहती है। कोविड 19 संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना और दानापुर बॉर्डर को किया गया सील। बिहार में कोविड 19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी और दानापुर के बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। प्रशासन की माने तो इसमें कोविड 19 को रोकने में काफी सहायता मिलेगी। आपको बता दें, 16 अगस्त तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके बावजूद कोविड 19 पर अंकुश लगाने में सरकार विफल साबित हो रही है। जिले में कोरोना के रोजाना सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने बॉर्डर को सील करने का फैसला सुनाया है, क्योंकि दानापुर के नासरीगंज और दीघा के अलग अलग इलाकों में कोविड 19 के दर्जनों मामलों के आने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते देखी जा रही थी। नियोजित शिक्षकों के पक्ष में भाजपा नेता नवल किशोर ने उठाई अपनी आवाज। नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने अपनी आवाज उठाई है, जिसके तहत उन्होंने नियोजित शिक्षकों को हक दिलाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से मुलाकात की है। भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त एवं नियमावली को शीघ्र लागू करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर मांग का ज्ञापन भी सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से 15 साल पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि नीतीश कुमार से बाढ़, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य और कोविड 19 पर सवाल पूछो तो वो सीधा पटना से पटाया और रांची से कराची पहुंच जाते हैं। 15 साल के राजा पता नहीं क्यों मुद्दों से मुंह छुपाते भागते फिरते हैं। सुशासनी बाबू के पास जवाब ही नहीं है। बिहार भाजपा ने सीबीआई से की मांग। बिहार भाजपा ने संजय राउत और आदित्य ठाकरे को लेकर सीबीआई से खास मांग की है, जिसके तहत बिहार भाजपा नेता ने संजय राउत और आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे आलेख को वाहियात बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी सुशांत के संदेहास्पद जान लेने के तुरंत बाद शाम 9 बजे तक वेतु का आलेख लिखा गया था। इस आलेख में सुशांत के परिवार, प्रशंसकों, बिहार सरकार, पुलिस, बिहार की जनता का घोर अपमान किया गया था। शिवसेना की बदमाशी भरी बेचैनी प्रतिक्रिया के कारण अब तो सीबीआई को संजय राउत, आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ करनी चाहिए, साथ ही इन दोनों का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए।
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम के तीन खिलाड़ियों ने बनाई जगह। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम के तीनों खिलाड़ियों ने जगह बना ली है, जिसके तहत आईसीसी की तरफ से जारी किए गए रैंकिंग में टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर विराट कोहली का नाम है। वहीं बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ है। वहीं इंग्लैंड और पाकिस्तान के क्रिस बोक्स और शान महमूद ने लंबी छलांग लगाई है। दूसरे स्थान पर कोहली और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहले की तरह ही बने हुए हैं। वहीं शीर्ष 10 बल्लेबाजों में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे पहले की तरह ही अपनी रैंकिंग बरकरार रख रहे हैं। अब नेटफ्लिक्स हिंदी में भी हुआ उपलब्ध। नेटफ्लिक्स यूजर के लिए अहम सूचना। यूजर के लिए नेटफ्लिक्स को हिंदी इंटरफेस पर लॉन्च किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अब सभी यूजर को नेटफ्लिक्स हिंदी में भी आसानी से उपलब्ध मिलेगा। यह सुविधा मोबाइल कंप्यूटर और टीवी पर उपलब्ध होगी। अब यह हिंदी भाषा में साइन अप, सर्च और पेमेंट कर पाएंगे। हिंदी इंटरफेस को पाने के लिए वेबसाइट पर प्रोफाइल पर जाकर भाषा हिंदी और भाषा सेटिंग सेट कर सकते हैं। इसके लिए अन्य सदस्यों के प्रभावित होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स इंडिया के एक अधिकारी ने बताया है कि एक बेहतरीन अनुभव देना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मानना है कि नया यूजर इंटरफेस हिंदी पसंद करने वाले यूजर के लिए नोटिस को और अधिक 16 बार बेहतर बनाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पप्पू कुमार, उजाला चौधरी, सुमन कुमार, बबीता यादव, मोहम्मद रजा, रंजीत मेहता, मिथुन कुमार, राम प्रकाश देव, सपना रानी, संजीत कुमार, मुन्ना कुमार, सनोज इंटरटेनमेंट, आकाश आर्या, विकास यादव, नरेश कुमार चौरसिया, शुभी सिंह, दिव्यांशु कुमारी, कमल कुमार, मनीष कुमार, कौशल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड-19 के रोकथाम के लिए सरकार को और कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल नॉनस्टॉप खबरों को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।